Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, students and viewers. This is Principal Officers Academy, SSP Hamad. और मैं आपको सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे इंडिपेंडेंस डे पे और जो हमारी 76th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस की. और इस मौके पर मैं आपको कुछ मैसेज भी देना चाहूँगा रिगार्डिंग आवर कंट्री. और एक फेमस हिस्टोरियन जो है उसने एक किताब लिखी थी, राइज एंड फॉल ऑफ मेजर पावर्स. और उस समय उसने कहा था कि द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स इज लिंक्ड टू द राइज एंड फॉल ऑफ देयर इकोनॉमीज. और ये पॉल केनेडी की बुक है. और उसमें ये इम्पोर्टेंट मैसेज दिया गया कि जो पावर्स होती हैं उनकी जो राइज और फॉल है उसका इकॉनमी से बड़ा गहरा लिंक है. सिमिलरली टॉइन भी एक हिस्टोरियन ने कहा कि अपने मॉडल में चैलेंज रिस्पॉन्स मॉडल के हम हर मुल्क के सामने कुछ चैलेंजेस होते हैं और उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर लें, इफेक्टिव रिस्पॉन्ड कर लें तो वो सक्सीड कर जाते हैं, प्रोग्रेस कर जाते हैं. और अगर नहीं तो खुदा खास्ता उनका डाउनफॉल भी हो सकता है. सो कंसिडरिंग लाइक पाकिस्तान, तो इस कॉन्टेक्स में कहूँगा कि 76 ईयर्स हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को. और लेकिन क्या हम वाकई एज अ ग्रेट पावर के तौर पे सामने आए हैं? तो जैसे मैंने पहले कहा कि उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारी इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए टू बी ग्रेट पावर. और बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे आसियान कंट्रीज़ हैं जो कि एशियन टाइगर्स बन गए, हालांकि उनकी इंडिपेंडेंस हमारे बाद हुई थी और इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर गए, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उतना प्रोग्रेस नहीं कर सके. उसके मल्टीपल रीजन्स हैं, लेकिन यहाँ मैं रीजन्स को लाजिम सारा डिस्कस तो नहीं कर सकता एक शॉर्ट मैसेज में. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट है. और हालांकि पाकिस्तान इज़ रिप्लीट विद रिसोर्सेज, जैसे कि बलूचिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इवन सोना है, कॉपर है, पेट्रोल है, सी गैस एट्सेट्रा, लेकिन हमने उनको सही तरह से यूज़ नहीं किया, एक्सप्लॉयट नहीं किया और इस वजह से हम पीछे रह गए हैं इकोनॉमिकली. लेकिन कायदे आज़म से हमें सबक सीखना चाहिए, फाउंडर ऑफ द नेशन से, जिन्होंने एक फेमस बात की थी कि फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी. इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोशिश करनी चाहिए. और लेकिन हमारे यहाँ कुछ जो मसाइल चल रहे हैं पॉलिटिक्स में, जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसको भी हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है. और हर चीज़ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए, जैसे हमें फिर हमारे सबक सीखना चाहिए फ्रॉम अ फाउंडर ऑफ द नेशन, द कायद आज़म, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे और उन्होंने अनलाइक अदर कुछ लीडर्स ऑफ इंडिया थे उनकी तरह उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने हर चीज़ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से डील किया. जैसे उन्होंने कहा था कि आई एम ए कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट एंड आई एम ए कॉन्स्टिट्यूशनल सेकेंड एंड आई एम ए कॉन्स्टिट्यूशनल लास्ट. तो बेसिकली हमें हर चीज़ को एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में हमें डील करना चाहिए और इससे हमारे मुल्क में पोलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है, जो कि इंडिस्पेंसिबल है फॉर आवर कंट्री. जो कि जब तक पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती है. सो इकोनॉमिकली स्टेबल होने के लिए अपार्ट फ्रॉम लाइक कोपिंग विद करप्शन या बाकी जो हमारे एथनिक इश्यूज़ कुछ हैं या बाकी कुछ और इश्यूज़ हैं जिसमें हमें पीस भी चाहिए मुल्क के अंदर, तो और कुछ टैक्स रिफॉर्म्स भी फोर्स बड़ी जरूरी है मुल्क के लिए, द पोलिटिकल स्टेबिलिटी ऑल्सो इज इम्पेरेटिव. इंशाल्लाह वी शुड रिमेन होपफुल. और इस इंडिपेंडेंस डे पे मैं हमारी तरफ से एक ऑप्टिमिस्टिक मैसेज यही होगा कि हमें मेहनत करनी चाहिए और हमें, जैसे रूसो ने कहा था कि वी शुड फोकस ऑन जनरल विल ऑफ द पीपल, तो हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बजाय हमें जनरल इंटरेस्ट के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए. उसी से जो मुल्क हैं, जो कौमें हैं, जो नेशंस हैं, वो तरक्की करती हैं. अगर हम सिर्फ अपने पर्सनल सेल्फिश वेस्टर्न इंटरेस्ट देखेंगे तो उससे कभी हम तरक्की नहीं कर सके. तो हम अपने तौर पर जो कर सकते हैं, अपने लेवल पे जो कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए. अगर हम सोचते रहे कि बाकी क्या कर रहे हैं तो वो हम बाद में, वो बाद की बात है. जो कर रहे हैं हर किसी अपना जवाब अल्लाह के सामने होना है. हमें अपने लेवल पे काम करना चाहिए, अपने मुल्क के लिए पेट्रियोटिक फीलिंग्स होनी चाहिए और इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए. तो हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए. इंशाल्लाह अगर हम सारे मिल के इस मुल्क के लिए, कौम के लिए काम करेंगे ऑनेस्टली, डिवोटेडली, डिवोशन के साथ, अर्नेस्टली, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा. Thank you very much. Khuda hafiz.